सो हेलो एवरीवन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो यार आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी नॉलेजेबल होने वाली है भर भर के, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन बातों को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आने वाले दिन में आप काफी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आपको बाइनरी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको लर्निंग पे ध्यान देना होगा। आप चाहे आप कहीं से भी आप सीख रहे हो, किसी सोशल मीडिया पर या किसी एक पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर आप सीख रहे हो तो यार ये काफी अच्छा होगा। आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में, आप चार्ट के बारे में अगर आप सीखोगे तो आप जल्दी से जल्दी आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो यार आपको सबसे पहले तो लर्निंग पे ध्यान देना होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एनालिसिस के बारे में, तो मैं आपको बता ही दिया, साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग के रणनीति भी आपको सेट करना है। यहाँ पर दोस्तों रणनीति का मतलब टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, यहाँ पर मेरा मतलब है यहाँ पर आपको कुछ रूल्स यहाँ पर और कुछ गोल्स आपको सेट करना होगा। यहाँ पर आपको कितना आपको यहाँ पर एक ट्रेड ओपन करना है और कितना आपको पर डे यहाँ पर ROI आपको जनरेट करना है, यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे और कितना आप अर्निंग करना चाहते हो एक दिन में। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना लिमिट सेट करना है। देखो इतना प्रॉफिट होने के बाद मेरे को रुक जाना है या फिर इतना लॉस होने के बाद मेरे को रुक जाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको कुछ रूल्स, लिमिट्स और गोल सेट करना है। इसके बाद दोस्तों बाइनरी ट्रेडिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है दोस्तों डेमो खाते। आप में कई ब्रोकर आपको देखने को मिल जाएंगे बाइनरी ट्रेडिंग में। आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कि सबसे बेस्ट ब्रोकर आपके लिए कौन सा होगा। तो सभी के सभी लगभग ब्रोकर आपको एक डेमो अकाउंट देते हैं, यहाँ पर आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप जितना चाहे उतना अमाउंट का ट्रेडिंग ले सकते हो। साथ में साथ अगर उस बैलेंस को खत्म कर लेते हो तो यार फिर से आप वहाँ पर बैलेंस एड कर सकते हो डेमो अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर डेमो अकाउंट में यहाँ पर ट्रेडिंग करने से एक नुकसान होता है कि यहाँ पर जो पैसा होता है उसमें अपना इमोशन नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप रियल अकाउंट के साथ फिर ट्रेडिंग करने जाओगे तो वहां पर आपका इमोशन जुड़ा होता है, जिससे कि आप थोड़ा डर डर के ट्रेडिंग करते हो, जिससे कि आपका लॉस हो जाता है। और अगर आप डेमो में करते हो तो वहां पर अपना अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ अच्छे से ट्रेडिंग कर लेते हो तो यार वहां पर प्रॉफिटेबल बन जाते हो। काफी लोगों का एक कमेंट आता है, काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार हम डेमो में जब ट्रेडिंग करते हैं काफी अच्छे खासे प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन हम जब रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट होता ही नहीं है। इसका मेन रीजन यही है दोस्तों कि इमोशन, आपका जो पैसा वहां पर लगा रहे हो उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा रहता है, इसके वजह से आप वहां पर लॉस कर जाते हो। और अगर डेमो में करते हो तो वहां पर बिना इमोशन कॉन्फिडेंट के साथ वहां पर ट्रेडिंग करते हो। तो इस तरह से दोस्तों डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट के बीच फर्क पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको हमेशा आपको लर्निंग पे फोकस करना है, चाहे आप जितना भी अगर आपका धीरे धीरे अगर रिटर्न आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो तो आपको ऊपर भी आपको लर्निंग पे ध्यान देना होगा। साथ मैं भी यहां पर लर्निंग पे ध्यान दे आपको आने वाली इस मंथ के एंड में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से प्रॉफिट होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज देखने को मिलता है, सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखना, आपको हमेशा लर्निंग पे ध्यान देना होगा। आप धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करने के साथ साथ आपको लर्निंग पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो और किस वजह से मैंने इस ट्रेडिंग को लॉस किया, इस ट्रेड को लॉस किया, आपको उस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने अगर दिन में 10 ट्रेड ओपन, उसमें से मेरा 3 लॉस हो गया, यहाँ पर 7 प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यार यहाँ पर 3 लॉस हुआ तो किस कारण से हुआ लॉस। तो आपको इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, यानी कि उसको एनालिसिस करना होगा। तो इस तरह से आप अपने गलतियां को पकड़ोगे और धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो यार आज मैंने बताया कि यार यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन सारी बातों को धीरे धीरे अगर आप अप्लाई कर जाते हो तो यार हमेशा आप प्रॉफिट ही करते रहोगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ही कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।